तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के स्पेन में हो रहे लाइव इवेंट की, साथ ही साथ थोड़ी बहुत रोमन रेंज की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज बीती शाम WWE स्पेन यानी कि मैड्रिड में थी, जहां WWE का लाइव इवेंट हो रहा था। इस लाइव इवेंट के अंदर दोस्तों सबसे पहला मैच जो कि हमें देखने को मिला वो फिन बैलर और बॉबी लैशली के बीच हुआ। इस मैच के अंदर दोस्तों फिन बैलर ने बॉबी लैशली को हराया। वहीं दोस्तों दूसरा मैच जो हमें यहां देखने को मिला वो हो रहा था बी टीम वर्सेस रिवाइवल्स के बीच में, यानी कि इनकी पुरानी राइवलरी यहां फिर से कंटिन्यू की गई। बात की जाए मैच की तो इस मैच के अंदर दोस्तों बी टीम की तगड़े वाली जीत हुई। तीसरा मैच जो कि हमें देखने को मिला वो ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए खासकर काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि यहां ब्रॉन स्ट्रोमैन फेस कर रहे थे ड्रू मैकइंटायर और डॉल्फ ज़िगलर को, यानी कि एक हैंडीकैप मैच के अंदर। इस मैच में दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन की जीत हुई। इसके बाद दोस्तों हमें महिलाओं का भी मैच देखने को मिला, जहां नाया जैक्स, साशा बैंक्स और डैना ब्रुक फेस कर रही थी रायट स्क्वाड और अलेक्सा ब्लिस को। इस मैच के अंदर दोस्तों नाया जैक्स की टीम की जीत हुई। वहीं दोस्तों इस पूरे के पूरे लाइव इवेंट का जो मेन इवेंट था वो सबसे ज्यादा कियाटिक था, सबसे ज्यादा केयास था उसके अंदर, क्योंकि वो मैच दोस्तों काफी एक तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी में खत्म हुआ। ये मैच हो रहा था दोस्तों सेथ रॉयंस और बैरन कॉर्बिन के बीच में, यहां इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल दाव के ऊपर था। इस मैच के अंदर दोस्तों सेथ रॉलिंस को वो जीतना बेहद जरूरी था और इसके अंदर सेथ रॉलिंस की ही जीत होती है, लेकिन दोस्तों केयास स्टार्ट होता है मैच जीतने के बाद, जहां डीन एम्ब्रोस पीछे से अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। जैसे ही दोस्तों वो चेयर से उन्हें मारने लगते हैं तभी वहां एंट्री ले लेते हैं फिन बैलर, और फिन बैलर को देखकर क्राउड काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन दोस्तों क्राउड की खुशी टिकती नहीं है, क्योंकि वहां आ जाते हैं बॉबी लैशली और उसके बाद जिंदर महाल, जो कि वहां साथ देते हैं डीन एम्ब्रोस का। वहीं दोस्तों आ जाते हैं पूरी पूरी कंडीशन को संभालने फेस सुपरस्टार्स, जिनको लीड करते हैं मैट हार्डी। और दोस्तों पूरे के पूरे लाइव इवेंट का अंत होता है ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ, जहां ब्रॉन स्ट्रोमैन सेथ रॉलिंस की मदद करते हुए पूरी की पूरी रिंग को खाली करते हैं और सभी को मार भगाते हैं। तो गाइज इस तरीके से पूरे के पूरे लाइव इवेंट का अंत हुआ। काफी ज्यादा क्योटिक था, काफी ज्यादा मजेदार ये लाइव इवेंट था। लेकिन दोस्तों इस लाइव इवेंट के ऊपर दोस्तों एक और चीज हमें देखने को मिली, वो थी रोमन रेंस के लिए लोगों का प्यार। यहां दोस्तों हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा, जिनमें कई लोगों के हाथों में दोस्तों रोमन रेंस के लिए बैनर थे। इन बैनर्स के ऊपर आप देख भी सकते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। कई बैनर्स में लिखा है थैंक यू रोमन, कहीं में दोस्तों कैंसर से लड़ने के लिए हिदायत दी गई है। लेकिन दोस्तों सबसे स्वीट जो बैनर मुझे लगा वो इस बच्चे का लगा। इस बच्चे के बैनर में आप देख सकते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है वी वॉन्ट रोमन, जो कि काफी स्वीट जेस्चर था। हाँ, उसके पेरेंट्स ने बैनर बनाया होगा, लेकिन स्टिल वो रोमन रेंस का एक सच्चा फैन है, उसकी आंखों में दिख रहा है। तो गाइज ऐसे ही अगर आप भी रोमन रेंस के बड़े फैन हैं और चाहते हैं कि रोमन रेंस जल्द से जल्द अपनी वापसी करे, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना मत भूले कि रोमन रेंस आपकी जिंदगी में क्या महत्व रखते हैं। तो गाइज आज की ये वीडियो इतनी सी थी, अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।